नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल टॉप टारगेट पॉइंट में। जैसे कि हम प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में चैप्टर वन है क्लास टेंथ का, उसमें हमने प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ा दिए थे, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण भी पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें एफ बराबर आर बाई टू, यानी हमको सिद्ध करना है कि फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध क्या है। यानी कहने का मतलब है कि सिद्ध करें कि जो त्रिज्या है अवतल दर्पण की वो फोकस दूरी की आधी होती है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो आइए हम अवतल दर्पण से सिद्ध करते हैं। जैसे कि हम पहले से चित्र बना दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, ठीक है, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बनाए हैं एक अवतल दर्पण बनाए हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, हमारी वीडियो जाकर पिछले में देख लीजिएगा कि कितना बढ़िया से हम समझाएं उस चीज़ को। यानी अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो और कलई किया गया सतह उभरा हुआ, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। जिसमें हम एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध करने वाले, जो कि ऊपर हम हेडिंग लिख दिए हैं कि फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध क्या है, ठीक है। जिसमें हम एक अवतल दर्पण लेते हैं, जैसे कि हम माने कि माना यम और यम डैश, यम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण जिसमें सी पी को, देखिए एक सी है और ये पी है, इसको मिलाते हुए, सी और पी क्या है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सी और पी को मिलाते हुए एक हम सीधी रेखा खींचे हैं, ठीक है, सीधी क्या किए हैं, रेखा खींचे हैं जो कि एक सी पी का निर्माण कर रही है। और इस सी पी के समानांतर हम क्या किए हैं, ए बी एक प्रकाश की किरण डाले हैं, कहाँ पर, अवतल दर्पण पर। सी पी के समानांतर एक किरण डाले हैं अवतल दर्पण पर, जो अवतल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण से टकरा कर, देखिए एफ से होकर गुजरती है, तो इसको हम डाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं आई किरण, आने वाली किरण, और ये है रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। देखिए यहाँ से टकरा कर ये जा रही है, ठीक, तो जा रही थी एक बिंदु से होकर गुजरती है, प्रकाश का नियम कहता है परावर्तन का कि वह एक बिंदु से होकर गुजरती है जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। हम इसको भी पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीका से बता चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं जहाँ पर दिया है एफ बराबर एफ फोकस दूरी है, ये पी और एफ के बीच में एक दूरी होती है, उसे हम फोकस बोलते हैं। पी सी, पी और सी जो है त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या होता है इसको भी हम बता दिए हैं। तो आइए हम सिद्ध करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, देखिए कोण क्या है, ए बी सी, ध्यान दीजिए ए बी सी, ये जो डाला गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम से एक लंब डाला गया है जो कि सी से मिला दिए हैं इसको, तो ये कोण बन गया ए बी सी, और एक कोण बना है सी बी एफ, ध्यान दीजिए लिखिए। देखिए इसको हम किसके अनुसार लिख रहे हैं, चित्रानुसार, जो चित्र में दिया है उसके अनुसार हम लिख रहे हैं, चित्रानुसार है। क्या है चित्रानुसार, कि कोण ए बी सी बराबर कोण, देखिए सी बी एफ, सी बी एफ है कि नहीं है, कोण ये और कोण ये दोनों बराबर है। देखिए इसको आने वाली किरण से हम इसको आई बोलते हैं और ये परावर्तित किरण इसको हम आर बोलते हैं। ये किस नियम से हो गया, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ध्यान दीजिए ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से हो गया। लेकिन एक और कोण इसमें बनेगा, देखिए कैसे, पुनः कोण, देखिए ध्यान से सी बी एफ कोण सी बी, ऐसे मत लिखिए, इसको ये लिखिए कोण ए बी सी बराबर, ध्यान दीजिए कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, ये तो लिखे हुए किए हैं। हाँ देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है और वो कोण क्या है, बी सी एफ, देखिए बी सी एफ, हाँ कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, यानी कोण ये और कोण ये दोनों बराबर होगा, क्या है कोण बी बी सी एफ, ये वाला कोण, ध्यान दीजिए ए बी सी कोण बी सी एफ, ये कोण यानी ये किस नियम से है, तो एकांतर कोण, क्या है एकांतर कोण से, कोण बी सी एफ किस नियम से है, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या है दोनों बराबर है। अब देखिए, अब
अब हम इसको मान लीजिए समीकरण वन, आप इसको समीकरण वन चाहे कुछ भी मान सकते हैं, चाहे नहीं भी माने कोनो दिक्कत नहीं। देखिए इसमें ए बी सी बराबर क्या है, सी बी एफ है, और इसमें ए बी सी बराबर क्या है, बी सी एफ है। देखिए इसका लेफ्ट हैंड दोनों बराबर है तो राइट हैंड दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एल एच एस बराबर आर एच एस होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ध्यान दीजिए सी बी एफ, सी बी एफ ये जो बीच वाला अक्षर होता है ये कोण को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कोण को दर्शाता है, याद रखिएगा। सी बी एफ, सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ यानी कहने का मतलब है कोण ये बी और कोण ये बी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कोण ये और कोण ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का नियम फॉलो करता है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण होगा, और वो जो त्रिभुज होगी कौन सी त्रिभुज होगी, तो बी सी एफ यहाँ पर देखिएगा, अतः अतः त्रिभुज बी सी एफ क्या है, बी सी एफ। देखिए बी सी एफ एक त्रिभुज बनता है, ये भुजा जब आपस में, ये कोण जब आपस में बराबर हुआ ना, तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, और वो त्रिभुज क्या हो गया, बी सी एफ। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, बाह या भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गई, बराबर होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि, चूंकि क्या बी एफ बराबर सी एफ, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, किस नियम से, तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा है, समद्वि, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा से, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा से। इसको मान लीजिए समीकरण वन, या यहाँ से भी आप मान सकते हैं, चाहे इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमको क्या मिल गया, यहाँ से ये भुजा मिल गई और ये भुजा मिल गई, लेकिन कहीं देखिए पी एफ की कहीं बात की गई है, पी एफ की कहीं बात की गई है, नहीं पी एफ की बात कहीं नहीं की गई, लेकिन हमको पी एफ से मतलब है, क्योंकि हमको इसको लाना है, ठीक है। तो ये भुजा मिल गई, ये भुजा मिल गई, हमको इसको लाना है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु बी को बिंदु पी के काफ़ी निकट लाते हैं, यानी ऐसा लाइए इसको, ऐसा लाइए कि देखने के बाद लगे कि पी जो है, बी जो है पी पर है, और पी चाहे पी जो है बी पर है, यानी दोनों बिंदु लगे कि एक ही पर है, यानी इतना समानांतर इसको ला दें, यानी बी प्रतीत होने लगे कि पी है, और पी प्रतीत होने लगे कि बी है, इतना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि, चूंकि बिंदु, लिखेंगे यहाँ पर दिख रहा है ना, लिखेंगे बिंदु, बिंदु बी, बिंदु बी बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक लाने पर, देखिए इतना हम लिख दिए कि बिंदु बी जो है, बिंदु बी जो है पी के काफ़ी निकट हो, बिंदु बी पी के काफ़ी निकट हो, तब देखिएगा। अब इस चीज़ को ये ऐसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा, हम इस चीज़ को उठाकर यहाँ पर लाए, देखिए तो जो बी एफ भुजा है वो लगेगा क्या, पी एफ के बराबर लगेगा, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये भुजा। अब देखिए कहने का मतलब ये बिंदु आ रहा है, तो साथ ही साथ ये भी तो आ रहा है ना, ये भुजा भी तो आ रहा है साथ साथ ना, तो वहाँ से हुआ कि बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, हाँ। तो यह समीकरण नंबर दो, तो देखिए यहाँ से एक चीज़ देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाने पर, तुलना करने पर, तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से, तो देखिए ये वाला प्रक्रिया राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला यहाँ पर भी आ गया, तो देखो बी एफ बराबर सी एफ और यहाँ पर बी एफ बराबर पी एफ है, यानी राइट हैंड दोनों का, लेफ्ट हैंड दोनों का क्या है, बराबर है ना, लेफ्ट हैंड दोनों का क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी एफ बराबर पी एफ, यानी सी एफ बराबर पी एफ, ये जो दोनों भुजा क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसलिए, इसलिए
पी सी बराबर, देखिए ये पी सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये जो है सी, अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कहने का मतलब है सी एफ आप प्लस पी एफ करें, सी एफ प्लस पी एफ करें तो हमको एक सीधी रेखा निकल करा देंगे और ये जो होता है सी से लेकर नहीं वक्रता केंद्र से लेकर पी तक की दूरी निकल कर आएगा, ठीक है। यानी पी सी बराबर हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए, चूँकि सी एफ बराबर पी एफ, यानी कहने का मतलब है सी एफ बराबर पी एफ है, तो यानी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले देखिएगा समीकरण में, इसको हम समीकरण तीन मान लेते हैं, तो समीकरण तीन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सी एफ बराबर क्या है, पी एफ है, और यहाँ पर सी एफ प्लस पी एफ लिखे हैं। तो देखिए सी एफ को हम क्या करेंगे, सी एफ बराबर पी एफ है तो सी एफ की जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसको ज्ञात करना है, हम इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको ना लिखकर हम इसको लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी सी बराबर क्या, पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पी सी बराबर, ये क्या हो जाएगा, टू पी एफ, और देखिए यहाँ पर पी एफ बराबर हम क्या माने हैं, क्या माना गया है, एफ, तो अब पी सी बराबर क्या माना है, आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर टू एफ, आर बराबर टू एफ। यहाँ से एक और सूत्र निकल कर आ गया, क्या निकला है सूत्र, कि आर जो त्रिज्या जो है फोकस की क्या होती है, दो गुनी होती है। यहाँ इसको भी पेपर में कई बार पूछा है बोर्ड में, कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है, ऐसे शब्द में लिख कर देता है। एक सूत्र हमको ये निकल कर आ गया, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, त्रिज्या जो है, त्रिज्या फोकस की क्या है, दोगुनी है, फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दो गुनी होती है, कितने गुनी होती है, दो गुनी होती है। अब इसी को हम उल्टा पुल्टा कर देंगे, इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एफ बराबर आर बाई टू, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना कि सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू होता है कि नहीं। तो अवतल दर्पण में हम ये सिद्ध कर दिए हैं, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उस चीज़ को हम शब्द में लिखते हैं। दिया क्या है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या है, एक मुख्य अक्ष बनाया गया है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर क्या है, ए बी एक प्रकाश की किरण डाली गई है जो दर्पण से टकराने के बाद यफ से होकर गुजरता है। ये चित्र बनाए बनाइएगा इसे, और जो चित्र में दिया है उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब उस चित्र को जैसे आप लिखे हैं उसी चीज को हम क्या करेंगे, यहां पर कोण में दर्शाएंगे। तो देखिएगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ बराबर कोण सी बी एफ, किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अगर मान लो ये कोण यक्ष है तो ये भी कोण यक्ष होगा, किस नियम से, तो एकांतर कोण से, दूसरा का देखिए कोण बन गया। अब जैसे ये कोण बराबर होता है तो हाँ, यहां पर देखिए ये कोण और ये कोण, देखो कोण बी, ये कोण और ये कोण जैसे ही बराबर होगा ना भैया, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गया है, क्या हो गया है, ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगी, और वो कौन सी त्रिभुज बनी, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज बनी, और जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज बनी तो इसमें दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये समीकरण है। अब हमको इस भुजा को ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लाएंगे तो बी एफ बराबर पी एफ होगा, और समीकरण मानकर हम इस तरह से बनाएं। देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा एकदम मोस्ट वीवीआई है, ये डायरेक्ट पेपरों में पूछता है, पाँच मार्क का, पाँच मार्क का पूछता है, और इसको एकदम देखिए एकदम साधारण भाषा में हम इस चीज़ को बताए हैं। आप इस चीज़ को क्या कीजिए, अपने रफ पर नोट्स पर उतारिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।